तो गाइस हमारा कल रात स्टे था जय माँ दुर्गा पैलेस में, और आज हम कंटिन्यू करना चाहते थे कि यहीं रेस्ट कर लें, लेकिन भाई ने मना कर दिया कि हमारी एडवांस बुकिंग है। तो हम फिर आगे निकल रहे हैं ओखीमठ के लिए। ओखीमठ से आई थिंक तुंगनाथ होगा 10-15 किलोमीटर और नेक्स्ट। तो 2 घंटे की राइड है, लगभग 5:45 बज गए हैं, 7:45 तक पहुंच जाएंगे। चलो लेट्स राइड टुडे। और पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ पे भी। देखो ब्यूटीफुल वाटरफॉल सामने। आज तो बहुत ही ज़्यादा वाटरफॉल नज़र आए हमें केदारनाथ के ट्रैक पे, बहुत ही मस्त। ऐसे ऐसे वाटरफॉल थे बहुत सारे। तो गाइस 6 बज चुके हैं और ऊपर वेदर देखिए, बहुत ही घने बादल छा गए हैं, लगता है रिमझिम झमाझम होने वाली है। अब देखिए कैसा रहता है वेदर कल का। अभी हमने पहुंचना ओखमठ, और तुंगनाथ से 15 किलोमीटर आई थिंक पहले है। 36 किलोमीटर का हमारा आज का डिस्टेंस है अभी का। वहाँ पे आज स्टे करेंगे और फिर कल का प्लान, फिर दोबारा ट्रैक 4 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर जाना। वो हो कल फिर हमारी वाट लगने वाली है, आज तो खूब वाट लगी है। तो गाइस हम रात को लक्ष्मी नारायण होटल में रुक गए थे, और ये जो जहाँ से चले थे वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है, और ये है गुप्तकाशी। रात को 8:15 बज गए थे, अंधेरा हो गया था, तो आगे जाने का हमारा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जल्दी रात को लोग सो जाते हैं और रात को होटल ना मिले फिर दिक्कत हो जाती। इस वजह से फिर हमने आगे जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल हमें ट्रैफिक मिला, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, वरना हम पहुँच जाते हैं। हमने 2 घंटे में जस्ट 20 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर किया था। और ये सूर्य देवता जी प्रकट हो गए हैं बादलों से, और ये आप देख रहे हैं गुप्तकाशी को, जो सिटी है गुप्तकाशी उत्तराखंड की। और हमारा सफ़र शुरू हो गया है तुंगनाथ के लिए। तो आज हम तुंगनाथ जाएंगे, ट्रैक है हमारा 4 किलोमीटर का, और जाना और 4 किलोमीटर आना। और ये टफेस्ट कहते हैं कि काफ़ी टफ है, क्योंकि खड़ी आपका क्लाइम जो है बिल्कुल स्ट्रेट क्लाइम है, जिसकी वजह से टफ हो जाता है थोड़ा, उतरना भी और चढ़ना भी। तो आज हमारी राइड का डे 5 है। हम हैं अभी गुप्तकाशी में। कल चले थे हम सोनप्रयाग से 3 किलोमीटर पहले है रामपुर, और वहाँ से आए थे हम यहाँ पे गुप्तकाशी में। ये है अभी तक की स्टोरी। दिल्ली 425, हरिद्वार 203, और ये है गुप्तकाशी की मार्केट, जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं अभी भी। काफ़ी बड़ी है गुप्तकाशी, बहुत बड़ी सिटी है ये। हम स्टार्टिंग में ही रुक गए थे, जो शुरू में जो घर शुरू हुए थे वहाँ पे हमें पार्किंग अच्छी लगी, इस वजह से हमने फिर वहीं पे स्टे कर लिया, क्योंकि बाइक हमारी सही जगह पार्क हो गई थी। हमारी मेन टेंशन होती है पार्किंग की। ये देखिए घर कैसे बने हुए हैं पहाड़ पे। सबसे ज़्यादा जाम लगता ही इन्हीं वजह से कि जो लैंडस्लाइड का मलबा पड़ा हुआ, अभी तक कोई सफाई नहीं की गई। ओहो ब्यूटीफुल व्यू, बहुत ही शानदार। ये कोई डैम है यहाँ पे, ये सामने आप देख रहे हैं, जहाँ पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, ये डैम बना हुआ है। और एक ब्रिज आएगा जहाँ से रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ को रास्ते के दो अलग हो जाएंगे। चोपटा और तुंगनाथ बद्रीनाथ के लिए रास्ता लेफ़्ट से जाएगा, और अगर रुद्रप्रयाग जाना है तो उसको आपको राइट से ही जाना पड़ेगा, ब्रिज को क्रॉस करते ही। जब हम आए थे तब हमने राइट को टर्न किया था तो इस तरफ आ गए थे हम ब्रिज के दूसरी तरफ। अभी ये सामने आयरन ब्रिज आ गया है। चमोली 85 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग 35, ऋषिकेश 177, थाना गुप्तकाशी का ये है रिवर, कौन सी रिवर ये नहीं पता। चोपटा चमोली बद्रीनाथ के लिए आपको लेफ्ट को जाना है। स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद मठाई स्मृति द्वार, वो है डैम का द्वार। तो जो उखीमठ है जहाँ कल रात को हमने स्टे करना था, यहाँ से 7 किलोमीटर है जो ब्रिज हमने क्रॉस किया है, वहाँ से 7 किलोमीटर पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन रात ज़्यादा हो गई थी, हमें फिर आइडिया नहीं था, इसलिए फिर हम वहीं स्टे हो गए गुप्तकाशी में। यहाँ तो होम स्टे बने हुए हैं काफ़ी, आ जाते तो आ जाते, लेकिन रिस्क नहीं लिया हमने। उखीमठ चोपटा, तो उखीमठ हम पहुंच गए हैं। जो कल रात को हमने स्टे करना था, हार्डली हमें 15-20 मिनट लगे हैं। ट्रैफिक नहीं था तो हम सही टाइम पे पहुंच जाते। उखीमठ, ये है उखीमठ, और यहाँ पे स्टे की बहुत सारी ऑप्शन है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन भी है उखीमठ का। चोपटा यहाँ से 29 किलोमीटर है यहाँ से, और जो तुंगनाथ है वो उससे पहले है, 15 किलोमीटर पहले, आई थिंक 15-16 किलोमीटर और जाना है हमें तुंगनाथ के लिए। तो देखिए ब्यूटीफुल वाटरफॉल ऑन द वे टू तुंगनाथ, बहुत ही प्यारा है। इन रेनबो भी बना हुआ है, और एक और वाटरफॉल। और व्यू बहुत अच्छे हैं यार यहाँ के, पहाड़ बहुत हरे लश ग्रीन पहाड़ है, क्योंकि अभी जस्ट मानसून ओवर हुआ है, जिसकी वजह से पूरे लश ग्रीन है। गर्मी के बाद आओगे तो सारे आपको गंजे पहाड़ नज़र आएंगे या पीले, सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं उस समय तक। तो दुर्गा होमस्टे, तो रूट यार अमेजिंग, दिस रूट बहुत ही बढ़िया यार। और चारों तरफ जंगल है और हम जंगल के बीच से होके गुजर रहे हैं। और यहाँ पे जगह जगह पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, होम स्टे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने की या स्टे करने की। कल हमें डरा दिया था कि तुम्हें बहुत कम ऑप्शन है ठहरने की, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जब तक नहीं आओ तब तक पता नहीं चलता। जब से हम ब्रिज से लेफ़्ट हुए हैं उसके बाद तो होमस्टे ही होमस्टे हैं रास्ते में, और खाने पीने के कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और रूट भी बहुत अच्छा है, भीड़ भाड़ भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है। पता नहीं कल परसों से 2-3 दिन से तो इतना जाम मिला है ना केदारनाथ वाले रूट पे, रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक पूरा रोड जाम है, पूरा रोड। और ये रूट बिल्कुल खाली है, इक्का दुक्का ट्रैफिक दिख रहा है, व्हीकल दिख रहे हैं। ये देखिए जंगल, लश ग्रीन जंगल है ये, ब्यूटीफुल। जलोरी पास जाते हैं तो वैसे ही फील होता है, वहाँ भी ऐसे ही, मतलब कि बहुत नैरो रोड है और नीचे पूरी खाई है, कई कई जगह यहाँ भी ऐसे ही है। बीकानेर हाउस 1.5 किलोमीटर है, आयरन ब्रिज, यहाँ पे कहते हैं कि जानवर भी देखने को, तेंदुआ वगैरह देखने को मिल जाता है रात को, भालू तेंदुआ बहुत सारे जानवर मिल जाते हैं। अभी चोपटा लगभग 10 किलोमीटर रह गया है और अभी तुंगनाथ का कोई मोड़ आएगा या कोई कट आएगा। तो उत्तराखंड की ये है मेन सवारी, इसको मिनी बस बोल लो, मेटाडोर बोल लो, जीप बोल लो, ऑलराउंडर है ये। जितने भी पहाड़ी एरिया में महिंद्रा चलती है। क्या बढ़िया नज़ारा है ये, कितना बढ़िया पहाड़ है, वाओ ब्यूटीफुल। बहुत ही बढ़िया ट्रैक है, बहुत ही बढ़िया रूट है ये चोपटा वाला, बहुत ही शानदार है। मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में इस रूट पे, और ट्रैफिक भी बहुत ही कम है। स्ट्रीम्स, वाटर स्ट्रीम्स हैं छोटी छोटी, जंगल एरिया, पूरा जंगल एरिया है। और रहने खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह कैंप्स लगे हुए हैं, होम स्टेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। तो गाइस ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है, सामने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जो आइस वाले बर्फ़ वाले पहाड़ है। सामने देखिए बादल छाए हुए हैं और एक ट्रैक बना हुआ, वो गाड़ी जा रही, वहीं पर हमने जाना है। और ये चारों तरफ का व्यू देख लो, बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत ही शानदार है यार, क्या शानदार नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया। बस हम पहुंचने वाले हैं तुंगनाथ के, जो पार्किंग है वहां पे अपनी बाइक पार्क करेंगे और फिर ट्रैक शुरू करेंगे। ये 4 किलोमीटर का ट्रैक, जाना 4 आना, ये थोड़ा टफ होने वाला है क्योंकि आज ये दोनों अप डाउन करना पड़ेगा हमें, और आगे निकलना है फिर बद्रीनाथ को। आज का ये प्लान है, आज है डे 5 हमारा बाइक राइड का। सामने ये पार्किंग लगी हुई है, आई थिंक यही है, ये आप देख रहे हैं, यहीं से ट्रैक शुरू होगा। और हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ के, जो पार्किंग एरिया है, ट्रैक है। ये सारी पार्किंग गाड़ी हुई पड़ी है तुंगनाथ के लिए। पूछते हैं अभी, कृपया धीरे चलें, आगे आबादी क्षेत्र है। व्यू देखो यार, क्या शानदार व्यू है। तो गाइस ये है तुंगनाथ की मेन पार्किंग एरिया, जो हाईवे पे ही है, रुद्रप्रयाग जिला। तो यहाँ हम अपनी बाइक पार्क कर रहे हैं और फिर आगे चलेंगे ट्रैक पे। हैं कितने 100 रुपये जरा सा लेंगे, हाँ हमने कहा सही लगा लो, ले लो जी। हाँ सर ठीक है हालत ये जूतों की वजह से नहीं जा रहे हैं ना, जूतों की वजह से। और इसका भाई का क्या हो गया, क्या हुआ, हम आपका सामान बजा रहे हैं बहाना रिकॉर्ड हो रहा तेरा सारा ये अपनी बाइक खड़ी है। अभी हम हैं तुंगनाथ की जो मेन पार्किंग है, जहाँ से ट्रैक शुरू होता है, वहाँ पे हैं। और ये पीछे हमारी बाइक्स खड़ी हैं, सारी बाइक पार्क करी थी। और इन भाई के पास हमने मतलब सामान भी रख दिया है, 50 रुपये पर बाइक ले रहे हैं, और विद सामान जो देखभाल करेंगे कह रहे हैं। और जो ट्रैक शुरू होगा वो सामने, वहाँ से ट्रैक शुरू हो रहा है। अभी चलेंगे और डंडा ले लेते हैं ताकि ऊपर चढ़ाई करने में इजी रहे। पैर तो थोड़े दर्द कर ही रहे हैं, लेकिन एक कोशिश करेंगे आराम से पहुंचने की। अब हम जो जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, सुरेंद्र भाई, मैं और मनोज भाई। बाकी 3 भाई बैठे हुए हैं, ये कह रहे हम नहीं जाएंगे इनकी लात काफ़ी दर्द हो रही है, जिसकी वजह से ये ट्रैक नहीं कर रहे हैं। ये पता नहीं रुकेंगे या आगे जाएंगे, देखते हैं। पहुंचते हैं, ट्रैक तो ज़्यादा लंबा नहीं है, 4 किलोमीटर का है तो 1.5-2 घंटा लगने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ट्रैक।